स्मृति ईरानी ने किया अपने मुश्किल दिनों को याद, बताया कैसे झेलना पड़ा था मिसकैरेज का दर्द, बच्चा खोने के एक दिन बाद ही लौटना पड़ा था एकता कपूर के सीरियल के सेट पर। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुंबई की फिल्म सिटी की गलियों से निकलकर राजनीति के गलियारों तक का सफर तय किया है। ये तो हर कोई जानता है कि आज की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी कभी टीवी की पॉपुलर बहुरानी तुलसी वीरानी हुआ करती थी। जिन दिनों में स्मृति तुलसी वीरानी बनकर लाखों दिलों पर राज कर रही थी, उन्हीं दिनों में स्मृति को बेहद दर्द भरे दौर से भी गुजरना पड़ा था। जब स्मृति को अपने अजन्मे बच्चे को खोना पड़ा था और मिसकैरेज के अगले ही दिन शूटिंग के लिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सेट पर लौटना पड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब एक को एक्टर ने स्मृति पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया था, तब स्मृति को अपने मिसकैरेज के पेपर्स तक एकता कपूर को दिखाने पड़े थे। अपनी जिंदगी के उस दर्दनाक किस्से का खुलासा खुद स्मृति ईरानी ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में किया है। स्मृति ईरानी ने बताया कि उन दिनों वो एक साथ दो सीरियल्स का हिस्सा थी और डबल शिफ्ट में काम किया करती थी। वो एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी वीरानी का रोल प्ले कर रही थी, तो वहीं रवि चोपड़ा की रामायण में देवी सीता का भी किरदार निभा रही थी। स्मृति ने अपने इंटरव्यू में बताया कि एक दिन वो अपने सेट पर असहज महसूस कर रही थी। उन्हें अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी उन्हें घर जाने की इजाजत नहीं मिली और वो शाम तक शूटिंग करती रही। इसके बाद उनके साथ जो हुआ उसका अंदाजा स्मृति को भी नहीं था। स्मृति ने बताया कि मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं सेट पर थी और मैंने उन्हें बताया कि शूटिंग के लिए तबीयत ठीक नहीं है और घर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन फिर भी मैंने काम किया और जब तक उन्होंने मुझे जाने दिया तब तक शाम हो चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे सुझाव दिया कि मैं सोनोग्राफी के लिए जाऊं। रास्ते में मुझे ब्लीडिंग होने लगी और मुझे याद है कि बारिश हो रही थी। मैंने ऑटो रिक्शा रोका और उसे हॉस्पिटल ले चलने को कहा। मैं हॉस्पिटल पहुंची, एक नर्स मेरे पास ऑटोग्राफ मांगने के लिए दौड़ पड़ी जबकि मुझे खून बह रहा था। मैंने उसे ऑटोग्राफ दिया और उससे पूछा, एडमिट कर लोगे? मुझे लग रहा है कि मिसकैरेज हो रहा है। स्मृति अपने अजन्मे बच्चे को खो चुकी थी, लेकिन इस हादसे ने उन्हें मानवता का पाठ भी सिखा दिया, क्योंकि अगले ही दिन एकता कपूर की प्रोडक्शन टीम ने उन्हें सेट पर आकर शूटिंग करने के लिए कह दिया था, जबकि स्मृति ने उन्हें अपने मिसकैरेज की जानकारी भी दे दी थी। स्मृति ने आगे बताया कि जब उन्होंने अपने सीरियल रामायण के डायरेक्टर रवि चोपड़ा को इस बारे में जानकारी दी थी, तब रवि चोपड़ा ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी थी। स्मृति चाहती थी कि वो क्योंकि के साथ साथ रामायण की भी शूटिंग कर ले, लेकिन रवि चोपड़ा ने उन्हें साफ इनकार कर दिया था, बल्कि सोने और आराम करने के लिए अपनी रामायण वाली शिफ्ट का उपयोग करने के लिए कह दिया था। हालांकि क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सेट पर मिसकैरेज के अगले ही दिन लौटकर आने के बाद भी स्मृति ईरानी को काफी कुछ सहना पड़ा था, क्योंकि एक को एक्टर ने एकता कपूर से कह दिया था कि स्मृति का मिसकैरेज रियल नहीं था। इसके बाद स्मृति अपने मेडिकल पेपर्स लेकर एकता के पास गई थी, वो भी सिर्फ यही दिखाने के लिए कि उनका मिसकैरेज सच था, ना कि कोई ड्रामा। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।